हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मोटोरोला ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो लोग उनका नया बजट स्मार्टफोन मोटो E7 पावर 19 फरवरी को इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मोटो E7 पावर की सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं मोटो E7 पावर के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स को जानकर। मोटो E7 पावर में 6.5 इंच की HD+ वाली IPS LCD डिस्प्ले मिलने वाली है। ये डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले होने वाली है, जहां पर 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के रियर कैमरास की बात करें तो रियर साइड में हमें ड्यूअल कैमरास मिलने वाले हैं, जहां पर 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी मिलने वाली है, जहां पर 10 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। और दोस्तों, ये 10 वॉट का चार्जर हमें बॉक्स के अंदर ही मिलने वाला है। इस स्मार्टफोन में G25 का प्रोसेसर मिलने वाला है, जो कि बजट स्मार्टफोन्स के लिए काफी डिसेंट प्रोसेसर है। इस स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये स्मार्टफोन में हमें पॉलीकार्बोनेट बैक मिलने वाला है। पोल्स एंड बटन्स की बात करें तो यहाँ पर पावर लॉक अनलॉक बटन, वॉल्यूम रॉकर एंड डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट बटन भी मिल जाएगा। यहाँ पर 3.5mm ऑडियो जैक एंड टाइप सी पोर्ट भी मिलने वाला है। फिर दोस्तों, इस स्मार्टफोन में बैक फायर सिंगल स्पीकर एंड रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन में हमें Android 10 मिलने वाला है आउट ऑफ द बॉक्स, और इस स्मार्टफोन में हमें स्टॉक Android एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इस स्मार्टफोन में 4GB की RAM एंड 64GB की इंटरनल स्टोरेज भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में। तो लीक्स की माने तो ये स्मार्टफोन इंडिया में 8,500 रुपए की प्राइस पर मोटोरोला लॉन्च करने वाला है। अगर ये स्मार्टफोन इस प्राइस पर लॉन्च होता है तो ये स्मार्टफोन एक डिसेंट स्मार्टफोन कहलाएगा, क्योंकि 8,500 रुपए में आपको स्टॉक Android एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अगर ये स्मार्टफोन 8,000 से कम की प्राइस पर मोटोरोला इंडिया में लॉन्च करता है तो ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बन जाएगा। क्या आप लोग मोटो E7 पावर के इंडिया लॉन्च के लिए एक्साइटेड हो? तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों, ये था मेरा वीडियो मोटो E7 पावर के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।